आपके पास भी कालो वाला पीसी है और आप कुछ ओपन वर्ल्ड और अच्छे ग्राफिक्स वाले गेम खेलना चाहते हैं इस आलू वाले पीसी पे और आप खेल नहीं पा रहे क्योंकि इस आलू वाले पीसी में आपके पास 2GB या 4GB रैम है। ऑलराइट, तो वेल गाइस, कहीं ना कहीं आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो भाई टेंशन की कोई बात नहीं, आपका भाई आपके साथ है, तो भाई घबराने की क्या बात है। hey, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेल गाइस, जो आज का वीडियो होने वाला है वो काफी खास होने वाला है। लोगों के पास एक मिड रेंज वाला पीसी या लैपटॉप है जिसमें ग्राफिक कार्ड के नाम पर घंटा कुछ भी नहीं है और उसमें आप कुछ अच्छे ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलना चाहते हैं जिनका साइज 500 MB के अंदर हो, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 11 ओपन वर्ल्ड गेम लेके आऊंगा ग्राफिक्स क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का। स्क्रॉल करते करते आपके प्यारे दोस्त इस वीडियो को शेयर किया, तो भाई एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सब्सक्राइब नहीं करते ना तो बहुत बुरा लगता है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम, जो मेरा फर्स्ट गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है अनवर्स डायनासोर हंटिंग। की बात करें तो एक फर्स्ट पर्सन हंटिंग ओपन वर्ल्ड सिमुलेटर वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया डिजिटल ड्रीम एंटरटेनमेंट के द्वारा। एंड दोस्तों, ये आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। की बात करें तो बेसिकली आप एक यहाँ पर आप एक रिसर्च टीम एज अ आइलैंड पे जाते हो एंड यहाँ पर आपको कुछ क्लूज मिलते हैं कि भैया उस आइलैंड में अभी भी डायनासोर एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर आप आइलैंड में जाते हो तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे डायनासोर देखते हो एंड यहीं से आपका जो दोस्तों मेन मिशन यहाँ पर आपको चालू होता है, सर्वाइव करना पड़ता है एंड जो भी आपको यहाँ पर मिशंस देखने को मिलेंगे उसे आपको कंप्लीट करना पड़ता है। गेम की बात करें तो गेम में आपको काफ़ी सारे वेपन्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यार पूरा जुरासिक पार्क का यहाँ पर आपको मजा आने वाला है इस गेम में। उनकी ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों टोटली ओपन वर्ल्ड है, आप आराम से पूरे मैप को एक्सप्लोर कर सकते हो। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। गेम की साइज की बात करें दोस्तों तो मात्र 500 MB इस गेम का साइज, आप आराम से इसे स्टीम से डाउनलोड कर सकते हो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। ऑलराइट, तो वेल गाइस, जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड 2005। एंड वेल गाइस, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड की बात करें तो भैया एक 2005 का ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है, डेवलप एंड पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें इस गेम में आपको पूरा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है व्हाइल आप जब रेस करते हो एंड ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। इनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो मिनिमम 256 MB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें मिनिमम 32 MB आपके पास होना चाहिए, प्रोसेसर की बात करें तो Pentium 4 में गेम आराम चल जाएगा। गेम की साइज की बात करें, इस गेम की जो हाईली कंप्रेस साइज है वो मात्र 500 MB है। तो वेल गाइस, बढ़ते हमारे हमारे थर्ड गेम के ऊपर। जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है कैप्टन बोन्स। एंड दोस्तों, कैप्टन बोन्स की बात करें 2002 का एक काफी पॉपुलर एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है वर्ल्ड ऑफ पॉली के द्वारा एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरह से उपलब्ध है। गेम की बात करें दोस्तों, गेम में आपका जो मेन किरदार रहता है एक पायरेट का रहता है, यहाँ पर आपको अपने शिप में खजाने की खोज में मिशंस देखने को मिलते हैं एंड वाइल कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों यहाँ पर आपको काफी चैलेंजेस टास्क देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके जो अपोनेंट पायरेट टीम रहते हैं वो आपके ऊपर हमला करेंगे क्योंकि यार उनको भी तो खजाना चाहिए। जिस आइलैंड में आप मिशंस कंप्लीट करोगे दोस्तों तो उस आइलैंड का नाम पायरेट आइलैंड रहता है जो कि काफी बड़ा यार आइलैंड एंड टोटली आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 3GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम चल जाएगा। की साइज की बात करें तो मात्र 500 MB के अंदर इस गेम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी लैपटॉप पे। गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है हाउ टू बिग सिटी ऑनलाइन। वेल गाइस, मैड आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन की बात करें 2017 एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया मैड आउट गेम्स के द्वारा एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें, ओपन वर्ल्ड बेस है, अगर आपने GTA 5 गेम खेला है या आप खेल नहीं पा रहे हो तो भैया मैड आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन आपके लिए एक परफेक्ट गेम है। ये गेम का साइज मात्र 500 MB है एंड ये गेम आपके अगर आपके पास हाई एंड है या लो एंड है तो भैया दोनों कैटेगरी की पीसी या लैपटॉप पे गेम आराम से चल जाता है। साइज है उस हिसाब से गेम को देखा जाए तो भैया गेम पूरा डेटा वसूल है यार एंड ये गेम फ्री टू प्ले, आप स्टीम से इसे आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। गेम में आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाती है एंड इस गेम का अच्छी बात दोस्तों ये है कि अपने फ्रेंड्स के साथ रोल प्ले मोड में आराम से खेल सकते हो। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें
तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 500 MB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। जो मेरा फिफ्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है हिटमैन ब्लड मनी। एंड हिटमैन ब्लड मनी की बात करें तो भैया 2006 का एडवेंचर फाइटिंग से भरा हुआ एक वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है इंटरएक्टिव के द्वारा। बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो गेम में आप एक एजेंट का किरदार निभाते हो जिसका नाम एजेंट 47 रहता है। तो यहाँ पर बेसिकली आप एक साइलेंट असैसिन का रोल प्ले करते हो। आपको जो भी टास्क दिए जाएंगे खुफिया तरीके से अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए जाना है। टारगेट है उसको किल करना रहता है। आपको कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ना रहता है। एक्शन से भरा हुआ इस गेम का जो स्टोरी लाइन है वो देखने को मिलेगा। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मात्र 512 MB होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो कोई भी प्रोसेसर में ये गेम चल जाएगा। वेल गाइस गेम की साइज की बात करें तो मात्र 300 MB में बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। वेल गाइस जो मेरा सिक्स्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है पॉलीगन। एंड दोस्तों पॉलीगन की बात करें 2020 का एक काफी पॉपुलर मल्टीप्लेयर टीम फर्स्ट पर्सन शूटर वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया रेड एस्टर स्टूडियो के द्वारा। एंड बेसिकली जो ये आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। की बात करें तो एक बैटल रॉयल मल्टीप्लेयर वीडियो गेम है जहां पर आपके साथ 32 प्लेयर एक मैप में लैंड होते हो। एंड यहां पर आपको एंड तक सर्वाइव करना पड़ता है अपनी टीम के साथ। एंड अपोनेंट टीम को यहाँ पर खत्म करना पड़ता है वाइल कंप्लीटिंग मिशन। दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर आपको जो मैप देखने को मिलेगा वो दोस्तों टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। काफी बड़ा मैप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। और गेम की साइज की बात करें तो इस गेम को आप आराम से 500 MB के आसपास डाउनलोड कर सकते हैं। वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ गेम के ऊपर। वेल गाइस जो मेरा सेवेंथ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है Half-Life 2। Half-Life 2 की बात करें तो भैया एक 2004 का फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया वेल्व के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें खोज रहे हो जिसमें आपको पजल सॉल्विंग स्टोरी लाइन एंड शूटिंग का मजा मिले तो भैया Half-Life 2 आप ही के लिए बना हुआ है। क्योंकि इस गेम में आपको काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन देखने को मिल जाएगा, साथ साथ पजल सॉल्व करने का मौका मिलेगा। एंड भाई शूटिंग का तो बात ही क्या कहना, यहाँ पर आपको काफी इंटरेस्टिंग शूटिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड यहाँ जो गेम का आपको एनवायरनमेंट मिलेगा वो हल्का ओपन वर्ल्ड भी देखने को मिल जाता है। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो नो कॉम्प्रोमाइज, काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। इनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो मिनिमम 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। और इस गेम की साइज की बात करें तो मात्र 90 MB इस गेम का साइज है। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 8th गेम के ऊपर। 8th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है आयरन मैन। एंड आयरन मैन की बात करें 8 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया सेगा स्टूडियो के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो अगर आप एक आयरन मैन लवर है मेरी तरह तो भैया पहले तो आप जाके इस गेम को आराम से प्ले करोगे, मिशंस कंप्लीट करोगे। बात करें तो भैया आयरन मैन 1 की जो मूवी है उसे इंस्पायर होकर स्टोरी लाइन इस गेम में आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों इस गेम में आपको टोनी स्टार्क मिलने वाले हैं। बेसिकली अगर आप एक आयरन मैन का किरदार निभाना चाहते हैं रियल लाइफ में तो पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू देखने को मिल जाता है। एंड यार काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको स्टोरी लाइन एंड मिशन देखने को मिलने वाले हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 256 MB होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। गेम की साइज की बात करें तो भैया 400 MB के आसपास इस गेम का साइज। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th गेम की। बल्कि जो हमारा 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है मैक्स पेन 1। पेन 1 की बात करें तो एक 2001 का थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया रैम एडिमेंट्स के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन देखने को मिल जाता है। एंड गेम में आप एक एजेंट का किरदार निभाते हो जहां पर उसे अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। वाइल टास्क कंप्लीटिंग यहां पर जो आपको स्लोमो मिलता है भाई जब आप शूटिंग करते हो तो भैया उसका क्या कहना। अच्छा स्टोरी लाइन वाला शूटिंग वीडियो गेम खोज रहे हो तो मैक्स पेन सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो मात्र 96 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 16 MB होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो गेम आराम चल जाएगा। साइज की बात करें 410 MB गेम का साइज है। बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। 10th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है जस्ट कॉज 1। जस्ट कॉज 1 की बात करें तो भैया 2006 का थर्ड पर्सन
एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया एवलांच स्टूडियो के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करिए, गेम में आप एक एजेंट का किरदार निभाते हो जिस एजेंट का नाम रिको रहता है। एंड बेसिकली उसे एक ट्रॉपिकल आइलैंड में भेजा जाता है एक टास्क कंप्लीट करने के लिए। रिटिंग टास्क यहाँ पर आपको काफी एक्शन से भरा हुआ यार आपको स्टोरी लाइन मिलने वाला है। एंड जो ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलने वाला है। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड बेस्ड है। यहाँ गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मिनिमम 256 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 128 MB नीड है। एंड प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। इनकी साइज की बात करें तो 500 MB में ये गेम को आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप पे। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आखिरी 11th गेम के ऊपर। वेल गाइस जो हमारा 11th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है ज़ॉम्बी डोंट रन। बात करें तो एक एक्शन एडवेंचर ज़ॉम्बी हंटिंग वीडियो गेम है जो की आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया है 28 बिट के द्वारा। गेम की बात करें तो गेम में आप एक कार ड्राइव करते हैं। इस कार की सबसे खास बात यह दोस्तों कि इस कार में ब्रेक्स ही नहीं है, मतलब कि यार ये कार बस चलती रहेगी। एंड वाइल्ड ड्राइविंग दोस्तों यहां पर आपको काफी सारे ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ेगा ना, अपने कार से उन्हें ठोकना पड़ेगा, यही मिशन है। एंड इस कार का भाई ये सिंपल कार ना समझो इसे यार, क्योंकि इस कार में आपको काफी सारे वेपन्स ऐड करने का यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है। इसमें आप रॉकेट लॉन्चर मशीन गन्स काफी सारे यहां पर आप वेपन ऐड कर सकते हो और ज़ॉम्बी को किल कर सकते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम चल जाएगा। और इस गेम की साइज की बात करें तो मात्र 400 MB है। कुछ 11 गेम थे जो कि 500 MB के अंदर आते हैं आपके लो एंड पीसी या लैपटॉप के लिए। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओ वेट दोस्तों, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसे जाके फट देना, ज्वाइन करना।